ओके, तो क्या ड्रॉपशिपिंग एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है? जब आपने पहली बार कोई भी ड्रॉपशिपिंग का वीडियो देखा होगा तो आपको लगा होगा कि ये तो बहुत इजी है, बस सप्लायर से लेकर ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना है, फिर प्रॉफिट ही प्रॉफिट। बट इसके बारे में आपने और रिसर्च किया होगा तब आपको पता चला कि इसमें तो एक विलेन भी है जिसका नाम है RTO, एंड इसके साथ इसकी सेना भी है, जैसे फेसबुक अकाउंट बैन हो जाना, पिक्सल कनेक्ट नहीं होना, सेल नहीं आना, विनिंग प्रोडक्ट नहीं मिलना, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड अगर आपको इस विलेन को मार के हीरो बनना है तो सबसे पहले तो इसकी सेना से लड़ना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको बताता हूँ इस विलेन और इसकी ना दोनों का नामो निशान कैसे मिटाना है। लेट्स गो। इसकी सेना का इंड कैसे करना है वो तो मैं बताऊंगा ही, साथ में आज मैं आपको अपना प्रॉफिट भी बताऊंगा। पहला प्रॉब्लम है फेसबुक एड। सबसे पहले आपने ड्रॉपशिपिंग के बारे में देखा होगा, फेसबुक पे एड अकाउंट बनाया होगा एंड एड अकाउंट बैन हो गया होगा, बट वहीं पे आपके पास एक ऑप्शन आता है रिक्वेस्ट रिव्यू करने का, एंड अगर आप वहाँ पे अपना गलत डिटेल फुलफिल कर देते हो तो आपका अकाउंट लाइफ टाइम के लिए भी बैन हो सकता है। जब आपका अकाउंट फर्स्ट टाइम के लिए बैन होता है तो रिमेम्बर आपको वहाँ पे अपना पैन कार्ड डालना है जो कि 18 प्लस रहना चाहिए, एंड अगर वो डिटेल आप डालते हो तो हाई चांसेस रहता है कि विदिन 5 मिनट से आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्शन से हट जाए। दूसरे खिलाड़ी के पास जाने से पहले मेरे तरफ से आपके लिए एक सरप्राइज है कि मैं आपको Shopify की प्रीमियम थीम्स बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। कैसे मिलेगा वो आप वीडियो को एंड तक के लिए देखते रहना, आपको पता चल जाएगा। सेकंड है पिक्सल। बहुत बार ऐसा होता है कि पिक्सल आपका फेसबुक से अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाता है एंड सेल्स आने में प्रॉब्लम होता है। जिनको नहीं पता है मैं बता दूं कि फेसबुक यूज करता है पिक्सल को डाटा ट्रैक करने के लिए, तो फेसबुक चेक करता है कि जिन लोगों ने परचेस किया है वो कैसे लोग थे, उनका इंटरेस्ट क्या था, तो नेक्स्ट डे उन टाइप के लोगों के पास फेसबुक आपका एड ज्यादा भेजता है जिससे आपको एक बेटर रिजल्ट मिलता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, अगर आपको पिक्सल में कोई प्रॉब्लम होता है वहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूंगा कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जो तीसरा रीजन है वो है सेल नहीं आना। सेल नहीं आने के पीछे बहुत सारी रीजंस है, फॉर एग्जांपल रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, रॉन्ग प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, रॉन्ग इंटरेस्ट ऑन फेसबुक एड्स एंड लो कन्वर्जन वेबसाइट्स। देखो प्रोडक्ट भले ही विनिंग रहे, प्रोडक्ट का इंटरेस्ट भले ही विनिंग रहे, बट तब भी अगर आपके वेबसाइट पे सेल नहीं आ रहा है तो एक मेजर कारण हो सकता है लो कन्वर्जन वेबसाइट का, बिकॉज अगर आपका वेबसाइट जो है वो ट्रस्टेबल दिख ही नहीं रहा है लोगों को, अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके वेबसाइट से अगर वो परचेस करेंगे तो उनके साथ स्कैम हो सकता है, तो ये बहुत बड़ा रीजन है। वैसे तो मैं आज आपको प्रीमियम थीम्स देने ही वाला हूं जिससे आपको एक बेटर कन्वर्जन मिलेंगे, बट स्टिल अगर आप वेबसाइट मेरे से बनवाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मेंशन है, वहां पर आप मेरे को कॉन्टेक्ट कर सकते हो, बट हाँ वो थोड़ा पेड रहेगा विद मिनिमल चार्जेस बिकॉज उसमें मेरा टाइम लगेगा। जो फोर्थ रीजन है वो है विनिंग प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक वीडियो बनाया हुआ है, आप आई बटन पे चेक कर सकते हो। एंड इट्स टाइम टू शो यू सम प्रॉफिट कि क्या इंडियन ड्रॉपशिपिंग एक्चुअल में प्रॉफिटेबल है भी या नहीं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं अपने पीसी के स्क्रीन की तरफ। सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बता दूंगा। सबसे पहले तो हम लोग अपना डाटा देख लेते हैं 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, जो कि मैंने एड्स लगाया था। यहाँ पे जो टोटल सेल हुआ है हम लोग का वो है 98,086 रुपीज, जिसमें से कुछ सेल्स कैंसिल भी हुए थे, अगर 11 करके मैं दिखाऊं तो ऑलमोस्ट 1 लाख का सेल्स हमने क्रॉस किया था यहाँ पे। ओके, यहाँ पर मैं आपको और भी सारी डिटेल्स बताऊंगा कि कितना हम लोग का प्रॉफिट हुआ है, कौन कितने ऑर्डर्स मैंने शिप किए हैं। तो इस बीच में मेरे को जो टोटल्स ऑर्डर आए थे वो 142 ऑर्डर्स आए थे एंड मैंने ऑर्डर्स काफी कम सिप किए, अप्रॉक्स मैंने 54-60 ऑर्डर्स यहाँ पे सिप किए जिसमें से 30 ऑर्डर्स डिलीवर हुआ है। लेट मी टेल यू, सारी की सारी डाटा मैं आपको दिखाऊंगा क्लियर यहाँ। ओके, जो टोटल ऑर्डर डिलीवर हुए वो 36 हुए, मैंने बीच में प्राइसिंग चेंज किया था जो कि आपको बताया भी था मैंने, लाइक कभी मैंने 699 रखा था, कभी 799 का प्राइसिंग रखा था। लाइक अगर मैं 799 का देखूं तो यहाँ पे आप चेक करो ये सब प्रोडक्ट 799 में डिलीवर हुए, एंड कोई कोई प्रोडक्ट 1299 का भी डिलीवर हुआ है। लाइक कस्टमर ने दो ऑर्डर किया था तो मेरे को दो भी सिप करना पड़ा था। यहाँ पर हम लोग एवरेज प्राइस मान के चलेंगे कि 699 का डिलीवर हुआ है, एंड यहाँ पे मैंने पूरा डाटा यहाँ पे तैयार करके रखा है। अगर 699 का प्रोडक्ट डिलीवर हुआ है तो जो हम लोग का प्रॉफिट बनेगा वो 400 रुपीज का बनेगा, एंड 699 पे जो प्रोडक्ट कॉस्ट था वो है 300 रुपीज का। तो 300 × 36 कैलकुलेट करते हैं तो 10,800 रुपीज आता है। टोटल जो COD रेमिटेड हुआ है वो हम लोग का 25,164 रुपीज हुआ है। जो डिलीवर्ड ऑर्डर्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, 36 ऑर्डर्स डिलीवर हुए, तो 36 का हम लोग कैलकुलेशन अगर आपके सामने कर ले तो 36 × 699, तो यहाँ पे जो एक्चुअल अमाउंट आता है वो 25,164 रुपीज आता है, जिसमें से कि ये जो मेरा ही पैसा लगा था, बिकॉज ये जो मेरा था पैसा वो प्रोडक्ट प्राइस था। प्रोडक्ट प्राइस पहले मेरे को देना पड़ता है, बाद में वो मेरे पास आ जाता है, ठीक है। अब ये हम लोग का लग गया प्रोडक्ट प्राइस, लगभग 13 ऑर्डर्स मेरा RTO आ चुका है, यहाँ पर आप चेक करो तो पर ऑर्डर RTO का प्राइस जो है वो 50 रुपीज है। यहाँ पे जो ऑर्डर्स डिलीवर हुआ है वो है 36, एंड यहाँ पे 36 का अगर प्रॉफिट कैलकुलेशन करें तो 14,400 रुपीज होता है। पर प्रोडक्ट का प्रॉफिट 400 था, 400 × 36 किए 14,400 रुपीज आया, ठीक है। तो लगभग प्रोडक्ट प्राइस था हम लोग का 10,800 रुपीज, प्रॉफिट निकला हम लोग का 14,400
₹500 एंड RTO कॉस्ट 650 टू ऑल ओवर टोटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग मीशो से देखे तो मीशो पे भी मैंने कुछ ऑर्डर्स लगाए थे। मैं मीशो से वो ऑर्डर्स लगाता हूँ जो कंफर्म नहीं रहते हैं, लाइक उनका कस्टमर्स का 50-50% चांस रहता है कि वो ले भी सकते हैं नहीं भी ले सकते, तो मैं प्रेफर करता हूँ कि वो मीशो से लगा दिया करूँ। यहाँ पे मैंने मीशो से भी ऑर्डर्स लगाए, तो जो यहाँ पे डाटा आप देख सकते हो, मैंने दोनों जगह स्क्रीन शॉट अटैच कर दिया कि इतना इतना मेरे को प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे दोनों में से, और इसमें से जो पैसा आता है वो RTO ये सब बिल्कुल नहीं कटता है, ना ही मेरा प्रोडक्ट कॉस्ट इस पे लगता है, तो इसमें से जो पैसा आता है वो प्योर प्रॉफिट रहता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग का डाटा बताएं तो यहाँ पे 3000 मेरा एक अकाउंट से आया, दूसरे अकाउंट से 2813 रुपीज आया, नवंबर का ये डाटा है। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो टोटल जो मीशो से पैसा आया वो आया 5880 रुपीज, 10000 जो हम लोग का प्रॉफिट था एफसिप के थ्रू एंड 5880 जो मीशो के थ्रू प्रॉफिट था, दोनों मिलाए तो 6060 रुपीज हम लोग का प्रॉफिट बनता है। जिसमें से अगर मैं एड्स कॉस्ट आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आप चेक करो जो मेरा एड्स कॉस्ट है वो 4822 रुपीज है। ठीक है, जिसमें से मैंने 1000 का डेली बजट रखा था, लगभग 133 मेरे को परचेज आए, मैंने ऑर्डर्स काफी कम सिप किए थे बिकॉज बहुत बार मैं कस्टमर्स को कॉल नहीं कर पाता था बिजी शेड्यूल वजह से, बिकॉज स्टडी भी मैनेज करना पड़ता है, अपना यूट्यूब भी मैनेज करना पड़ता है, ड्रॉप शिपिंग भी मैनेज करना पड़ता है एंड और भी एक दो वर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर्स तो अच्छे आए थे बट मैंने सिप बहुत कमी किए थे एंड डिलीवरी रेशियो भी इसका बहुत अच्छा है, ओनली 13 ऑर्डर्स रिटर्न आया एंड 36 ऑर्डर्स जो है मेरे डिलीवर हुआ है सक्सेसफुली। यहाँ पे 4828 मैंने माइनस कर रखा है तो जो नेट प्रॉफिट बनता है मेरा वो 1232 रुपीज बनता है। यहाँ पे 10 डेज का चैलेंज लिया था मैंने एंड 10000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट यहाँ पे मैंने बुक कर लिया, विच इज गुड। नेक्स्ट टाइम मैं बजट और बढ़ाने का ट्राई करूंगा, प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरे को एक बेटर रिजल्ट मिले। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आपको प्रीमियम थीम्स कैसे मिलेंगे। यहाँ पर जाना होगा आपको हमारे टेलीग्राम पे आप जाके ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे मैं प्रीमियम थीम का आपको जिप फाइल अपलोड कर दूंगा एंड यहाँ पर मैं आपके लिए 2 मिनट का वीडियो भी डाल दूंगा कि आप वो प्रीमियम थीम को अपने Shopify पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ये बिल्कुल फ्री रहेगा, इसके कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे, तो यहाँ पे आप लिंक से जाके ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हाँ एक कमेंट जरूर से कर देना बिकॉज एक कमेंट आपका हम लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक वैल्यूएबल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।